जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि शासन के निर्देश अनुसार जनपद के सभी तहसीलों में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारी लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका निस्तारण कर रहे हैं। मेरे द्वारा तहसील सदर में चल रहे तहसील दिवस में भाग लिया गया है और लोगों की समस्याओं को सुना गया है। उन्होंने कहा, तहसील समाधान दिवस में जितने भी मामले आए हैं उसके निस्तारण के लिए पुलिस व प्रशासन की ज्वाइंट टीम बनाकर मौके पर भेजा गया है, जिससे कि समय से मामलों का निस्तारण हो सके। इसके लिए सभी अधिकारियों को तहसील दिवस में आए मामलों को 7 दिन में निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया, जिसकी मॉनिटरिंग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकतर मामले राजस्व व पुलिस प्रशासन से संबंधित आए हैं, जिनको जल्द ही निस्तारण कर लिया जाएगा और तहसील दिवस बहुत ही कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि तहसील दिवस में लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इस अवसर पर SDM सदर कुलदीप मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, शासन के प्राथमिकता के अनुसार आज तहसील दिवस की सुनवाई सभी अधिकारियों के साथ किया गया है। जो भी प्रार्थना पत्र आए उसके लिए जॉइंट टीम्स पुलिस और प्रशासन की बना के फील्ड में भेजा जा रहे हैं और समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जाएगा। 7 दिन के भीतर सभी निस्तारण गुणवत्तापूर्वक समयबद्ध रूप से करने के लिए निर्देशित किया गया और उसका अनुश्रवण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। ज़्यादातर राजस्व और पुलिस संबंधित मामले आए हैं और विकास कार्य की योजनाओं में आच्छादन के आए हैं, 100% उसको पूर्ण किया जाए। सर कितना कार्यकर हो रहा है? तहसील दिवस बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है। इसके माध्यम से जॉइंट टीम्स फील्ड में जा पा रहे हैं, निस्तारण की गुणवत्ता भी पिछले साल की दी गई है, देखी गई है पिछले तहसील दिवसों की, तो उसमें भी अच्छी गुणवत्ता प्रदर्शित हो रही है, लेकिन इसमें लगातार सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है, जिसके लिए निर्देशित किया गया है और उसका अनुश्रवण किया जाएगा।